गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल प्रैक्टिस मेकिंग लेजर्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था जनरल, आज हम देखेंगे लेजर। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ बुक ले लीजिए। अकाउंट्स के लिए मैं बुक रिकमेंड करूंगा 11th एंड 12th दोनों के लिए, TS ग्रेवाल राइटर की, वो बेस्ट होती है। जितनी बुक्स मैंने देखी एटलीस्ट उनमें मुझे वो बेस्ट लगी। और नेक्स्ट वुड बी डी के गोयल, अगर आप डी के गोयल ले रहे हैं देयर इज ऑल्सो गुड बुक। बाकी तो बहुत सारे राइटर्स ने लिखी हुई है, बट देन आपके लिए जिनसे आप इजीली समझ सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, तो यही दो राइटर हैं। फर्स्ट इज टी एस ग्रेवाल, नेक्स्ट कुड बी डी एस गोयल। क्लास 11th में हम देखेंगे लेजर। जनरल एंट्रीज हमने एक बार कर ली, फिर इनको हमें पोस्ट करना होता है लेजर में, विच इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ जनरल एंट्रीज इन टू लेजर। अब लेजर बनाने के क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहला, किसी भी लेजर में उसके अपने नाम की एंट्री नहीं होगी। जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें कोई भी एंट्री कैश अकाउंट की नहीं होगी, ना टू कैश अकाउंट ना बाय कैश अकाउंट। अगर हम डेबिटर अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें कोई भी एंट्री डेबिटर अकाउंट की नहीं होगी, ना टू डेबिटर अकाउंट ना बाय डेबिटर अकाउंट। हम क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं उसमें कोई भी एंट्री टू क्रेडिटर अकाउंट या बाय क्रेडिटर अकाउंट नाम से नहीं होगी। किसी बंदे के नाम का हम अकाउंट बना रहे हैं, मिस्टर एज अकाउंट, तो उसमें कोई भी एंट्री टू मिस्टर एज अकाउंट या बाय मिस्टर एज अकाउंट नहीं होगी। हाँ, ये हो सकती है मिस्टर ए के अकाउंट में मिस्टर एज लोन अकाउंट की एंट्री हो सकती है। मिस्टर ए का अकाउंट है उसमें मिस्टर ए के लोन अकाउंट की एंट्री हो सकती है, लेकिन मिस्टर ए के अकाउंट में मिस्टर ए अकाउंट की नाम की एंट्री नहीं होती, अपने नाम की नहीं होगी, मिलते जुलते नाम की हो सकती है। उसी तरह से कैश अकाउंट हम बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में कैश एट बैंक अकाउंट की एंट्री हो सकती है, लेकिन टू कैश अकाउंट या बाय कैश अकाउंट नहीं होगी, कैश एट बैंक की तो हो सकती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, खासकर 11th क्लास के बच्चों से गोल्डन रूल आपको याद हो जाना चाहिए, इनका एप्लीकेशन याद हो जाना चाहिए। अगर आपने अकाउंट्स करनी तो बिना गोल्डन रूल के नहीं होगी। गोल्डन रूल अच्छे से कर लोगे तो अकाउंट अच्छी तरह कर पाओगे, गोल्डन रूल नहीं कर पाए तो अकाउंट भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज अप्लाई 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट फॉर डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री इन लेजर ऑल्सो, एंड नाउ वी विल स्टडी दीज 3 गोल्डन रूल्स। वापस से एक बार गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट हम लोग रिकैप करेंगे। मैं बार बार आप लोगों को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बता रहा हूँ क्योंकि यही आपके काम आने वाला है अकाउंट्स में, इसके बिना अकाउंट नहीं हो सकती। रूल 1, एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। ये होता है रूल 1 विच इज रिलेटेड टू एसेट्स। रूल 2 रिलेटेड टू लाइबिलिटी एंड कैपिटल, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। लाइबिलिटी एंड कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और इंक्रीज क्रेडिट साइड आता है, डिक्रीज और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है। नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लास 12th में आएगा, पूरी पार्टनरशिप इसके ऊपर बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट डेबिट, खर्चे होंगे, नुकसान होगा या प्रॉफिट को हम हटा के कहीं और ट्रांसफर करेंगे तो वो होगा डेबिट। वहीं दूसरी तरफ गेन, इनकम, ट्रांसफर ऑफ लॉस क्रेडिट, फायदा होगा, आमदनी होगी या हम घाटा हटा के कहीं और डाल देंगे तो वो होगी हमारी क्रेडिट की एंट्री। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट अच्छी तरह मगअप कर लीजिए और साथ ही साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए। आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता, माय व्हाट्सएप नंबर इज 9719283244, दिस इज माय अदर नंबर 9211166878, माय ईमेल आईडी इज speak@gmail.com, माय यूट्यूब चैनल इज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding class 11th and 12th, accountancy, economics, business studies, and also related to stock market, investments,
debt markets, bonds, etc., mutual funds, you can always contact me. You can also see these things on my channel, Commerce and Investments. Now we move on to the ledgers. Here we have information about machine. Opening balance 1 lakh rupees, depreciation 15,000 rupees, bought 25,000, in cash bought by check 18,000, sold part of machine for cash 17,000. Now machine is an asset. हमें पता होना चाहिए एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है. तो हम इसका मशीन अकाउंट बनाएंगे. दिस साइड इज डेबिट, दिस साइड इज क्रेडिट. दोनों साइड को डबल लाइन से डिवाइड अलग अलग करते हैं. यहां पे आप सीरियल नंबर या डेट डालिए, यहां पर्टिकुलर, यहां रुपीज, यहां सीरियल नंबर या डेट, यहां पर्टिकुलर, यहां रुपीज. ठीक है, मशीन एक एसेट होता है. एसेट के लिए हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है, ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट. तो हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है. यह हमारा है डेबिट कितना, 1 लाख. ओपनिंग बैलेंस आया डेबिट 1 लाख. देन डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक लॉस होता है, दूसरी तरफ एसेट की वैल्यू कम करता है. तो इसकी जनरल एंट्री तो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट या मशीन अकाउंट. अब लेजर में कैसे पोस्टिंग होगी, मशीन की वैल्यू कम हो रही है डेप्रिसिएशन से, एसेट कम होता है तो क्रेडिट की एंट्री होती है. बाय डेप्रिसिएशन 15,000. ठीक है, नेक्स्ट इज एसेट बॉट इन कैश. आपने कैश में एसेट खरीदा, एसेट खरीदा यानी एसेट बढ़ा. एसेट जब बढ़ता है तो गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट की एंट्री होती है. अब कैसे बढ़ा, आपने कैश में खरीदा था, कैसे बढ़ा, आपने कैश में खरीदा था, देन आपने चेक से खरीदा, एसेट बढ़ा डेबिट की एंट्री होगी. कैसे बढ़ा, आपने चेक से खरीदा था, यानी कि पेमेंट आपके बैंक से हुआ था. टू बैंक अकाउंट. कैश से खरीदा 25,000 का, बैंक से चेक से खरीदा 18,000 का. ठीक है, देन सोल्ड पार्ट ऑफ मशीनरी फॉर 17,000. मशीनरी जब आपने बेच दी, जब आप मशीन बेच दोगे तो क्या होगा, वो कम हो जाएगी. और एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट की एंट्री होती है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट की एंट्री होती है. तो यहाँ पर लिखेंगे बाय, कैसे बेची थी, कैश, कैश अकाउंट 17,000. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इंक्रीजेस डेबिट साइड आ रहा है, डिक्रीजेस क्रेडिट साइड आ रहा है. अब हमको निकालना है क्लोजिंग बैलेंस. साफ दिख रहा है डेबिट साइड का टोटल जा रहा है, ये टोटल का हमारा आ रहा है. अकाउंट जब भी क्लोज करेंगे नीचे दो लाइनें होंगी, अकाउंट जब भी क्लोज करेंगे नीचे दो लाइनें होंगी, और ये टोटल हमेशा बराबर होगा. तो कितना हुआ, 1,25,000 प्लस 18,000, तो हमारा होगा ये
143,000 हुआ, ये टोटल भी हमारा होना चाहिए। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 17 + 15 32 32,000 आ रहा है इन दोनों का टोटल। तो ये हमारा बाय सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। जो बाकी की बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। 1,43,000 में से 30,000 कम कर दीजिए तो 1,11,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, जो हमारी एक पीरियड की क्लोजिंग फिगर होगी वो नेक्स्ट पीरियड की ओपनिंग फिगर होगी। 31 मार्च की जो क्लोजिंग फिगर होगी वो हमारी 1 अप्रैल की ओपनिंग फिगर होगी। तो यानी कि हमारे यहाँ पे टू बैलेंस रकम कितना हुआ, ₹1,11,000। इस तरह आपका एसेट अकाउंट बनेगा। अब हम इसके बाद देखते हैं एक किसी लायबिलिटी का अकाउंट। अब ये हमारा बैंक लोन अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस 50,000 का था जिसमें से 20,000 का लोन हमने रीपे कर दिया और नया लोन ले लिया बाद में 18,000। तो हमारा बैंक लोन अकाउंट कैसा बनेगा, बैंक लोन अकाउंट इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है, ये डेबिट ये क्रेडिट इन दोनों को बीच से डबल लाइन से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स को। यहाँ सीरियल नंबर बैंक लोन क्या है, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती है। बैंक लोन हमारी लायबिलिटी होती है, हमने कर्जा ले रखा है। लायबिलिटी के लिए गोल्डन रूल क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डिक्रीज डेबिट। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, बाय बैल बीडी 50,000। ओपनिंग बैलेंस हमारा आया 50,000। देन लोन रिपेड, हमने कुछ लोन बैंक को वापस कर दिया। जब बैंक को वापस कर दिया तो हमारा लोन कम हो गया, लोन कम हो गया यानी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई तो गोल्डन रूल क्या हुआ, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड आती है। टू बैंक अकाउंट 20,000 हमने बैंक से पे कर दिया। ध्यान रखिएगा किसी भी अकाउंट में उसके अपने नाम की एंट्री नहीं होगी। यहाँ लोन बैंक लोन अकाउंट और यहाँ बैंक अकाउंट है, दो अलग अलग है। बैंक लोन अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, दोनों अलग अलग हैं। बैंक लोन यहाँ का तो यहाँ पे बैंक लोन नहीं आता, अपने नाम की एंट्री उस अकाउंट में नहीं होती है। यहाँ बैंक लोन है, यहाँ केवल बैंक है। नेक्स्ट इज मोर लोन टेकन 18,000, हमने और उधार लिया 18,000, हमने और उधार लिया यानी हमारी लायबिलिटी बढ़ी। जब हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, गोल्डन रूल के हिसाब से क्रेडिट की एंट्री होगी। लोग बैंक लोन है बैंक से मिलेगा तो बाय बैंक अकाउंट, तो ये हमारी क्रेडिट की एंट्री होगी क्योंकि हमारा लोन बढ़ा लायबिलिटी बढ़ी।
अब इधर का टोटल क्रेडिट का हमारे यहाँ ज्यादा नजर आ रहा है। दोनों साइड का टोटल बराबर रहेगा। अकाउंट जब भी हम बंद करते हैं किसी पीरियड का तो नीचे दो लाइन लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आई, ये 68 है, ये 20,000 है, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई टू बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड या कैरेट डाउन विच इज 48,000। बैलेंस कैरेट डाउन हमारी कितनी हुई 48,000। तो हमारा जो इस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस था, लायबिलिटी और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट का होता है, वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होगा। जो हमारा यहां का क्लोजिंग बैलेंस था वो अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह हमारा लायबिलिटी अकाउंट बनेगा। आगे हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट। नॉमिनल अकाउंट में हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स की फिगर है हमारे पास 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 80,000, वेजेस 70,000, परचेजेस 1,90,000, कमीशन अर्न, हमें कहीं से कमीशन मिला है 8,000 का, कमीशन पेड, कमीशन हमने पे किया है 7,000 का। तो अब इसको हम नॉमिनल अकाउंट पे कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा बनेगा जो डेबिट हमारा नॉमिनल अकाउंट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले सेल्स, सेल्स में क्या होता है, आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, कहीं से आपको पैसा मिल रहा है, बिक्री हो रही है, तो नॉमिनल अकाउंट रूल के हिसाब से इनकम्स प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं। तो यहां हमारा आएगा सेल्स अकाउंट। बाय सेल्स अकाउंट फोर लाख, ठीक है। देन ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास शुरू में कितना स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एसेट कितना जाता है, इधर 1 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास था 80,000, क्लोजिंग एसेट किधर जाता है, इधर। देन वेजेस, वेजेस हमारा खर्चा है, हमने तनख्वाह दी कर्मचारियों को, वो हमारा खर्चा हुआ। एक्सपेंसेस वर्सेस किधर जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट साइड जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में, तो यहां पे टू
70,000 आपके पेजेस हुए, देन परचेजेस, हमने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे, हमारा खर्चा हुआ, खर्चा नॉमिनल अकाउंट में किधर जाता है? $1,90,000 हमारा खर्चा हुआ। देन कमीशन अर्न, हमें कहीं से कमीशन मिला, हमें कमीशन मिला, गेन्स इनकम्स, ये नॉमिनल अकाउंट में किधर जाते हैं? क्रेडिट की एंट्री होती है, तो बाय कमीशन अर्न $8,000, देन हमने कमीशन पे किया, हमने दूसरा कमीशन पे किया, तो हमारा खर्चा हुआ। जो भी खर्चा होता है वो नॉमिनल अकाउंट में किधर जाता है? डेबिट की एंट्री होती है नॉमिनल अकाउंट में, टू अब आप देखिए किस साइड का टोटल आपका ज्यादा है, यहाँ का टोटल है 360, अराउंड 367, वहाँ का टोटल है 488, तो उधर का टोटल आपका ज्यादा होगा। अब ये जो टोटल है आपका ये 367 है जबकि ये 488 है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हुई आपकी? बैलेंसिंग फिगर हुई ग्रॉस प्रॉफिट। और नॉमिनल अकाउंट का एक रूल मैंने और बताया था आपको, जब भी प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो वो डेबिट साइड की एंट्री होगी। ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 1,21,000। तो जो यहां का ग्रॉस प्रॉफिट है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इस जगह जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि जब भी कहीं से प्रॉफिट आता है क्रेडिट एंट्री होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ग्रॉस प्रॉफिट उधर की साइड जाएगा। अभी मैं आपको अभी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बना के दिखाता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में मेनली हम डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का एक एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन जो अब नया ट्रेंड चला है तो उसमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बन रहा है, सारा सारा उसी का आ रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर यहाँ पर मैं आपको दोनों अलग अलग बना के दिखाऊंगा, उससे आपको एक नॉमिनल अकाउंट का बेटर आइडिया लग जाएगा। ये हमारे सामने फिगर्स हैं, सेल 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000, परचेज 3,50,000, वेजेस 1 लाख, इंटरेस्ट 50,000, डेप्रिसिएशन 80,000 एंड टैक्स 70,000। तो ये हमारे सामने फिगर्स हैं। अब इसमें हमको देखना होगा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं। जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, जो भी इनडायरेक्ट हैं वो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सेल्स जो तो ट्रेडिंग में आएगी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, परचेज ट्रेडिंग में, वेजेस ट्रेडिंग में, तो ये तो आएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता,
डायरेक्ट रिलेटेड टू सेल्स नहीं होता, ये इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं, आप बिजनेस करो या ना करो तो भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस देने पड़ेंगे। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, ब्याज का पैसा लिया, ब्याज देना पड़ेगा। प्लांट ले रखा है, प्लांट का डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो ये आपका है बस प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स भी प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट जैसा हमने बनाया था उसी तरह बनेगा। सबसे पहले सेल्स, ₹10 लाख, ओपनिंग स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, देन क्लोजिंग स्टॉक। आप यहां पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। यहां पे आप ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। देन परचेजेस, परचेज अकाउंट ₹350,000, परचेज अकाउंट ₹350,000, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की पोजीशन देखते हैं। यहां टोटल, जब भी आप टोटल करो तो ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान रखना इस साइड एक या दो लाइन छोड़ देना। उसी तरह अगर ये ज्यादा लग रहा है तो यहां एक दो लाइन छोड़ के उसके सामने फिर नीचे कैलकुलेट करना, तो बैलेंस फिगर आप इजिली ला सकते हो। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो इसका टोटल हुआ हमारा ₹6,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर हुई टू, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया ₹6 लाख। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 6 लाख।
अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को तो हमने कर दिया बंद, अब हमारा आएगा ठीक है। अब हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको बताया था जो भी प्रॉफिट होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट डेबिट के लिए होती है, ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो डेबिट साइड आया है, मैंने बताया ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट डेबिट साइड के लिए होती है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। जहाँ प्रॉफिट आ रहा होता है वो क्रेडिट की एंट्री होती है, जहाँ से जा रहा होता है वो डेबिट की एंट्री होती है। तो यहाँ आ रहा है